चलिए कुछ पाइवट टेबल के लिए कुछ डेटा ले लेते हैं। आ गया डेटा। ये डेटा ले लेते हैं। तो हमारे पास कुछ डेटा है जिसको हम पाइवट टेबल के लिए यूज करेंगे। अब देख लिए पाइवट टेबल पहली चीज यूज क्यों होता है। पाइवट टेबल का यूज किया जाता है टू एनालाइज और समराइज डेटा। यूज पाइवट टेबल। अब किस तरीके से कर सकते हैं। सपोज ये कुछ डेटा है, इसमें डे वाइज मान लीजिए कुछ सेल है, ये प्रोडक्ट्स की सेल है, P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7। डे वाइज सेल्स है कि किस रिप्रेजेंटेटिव ने किस सिटी में क्या सेल्स करी है। ये सेल्स का डेटा है, अप्रोक्सीमेट 2 से 2500 का डेटा है। तो हमारे पास डे वाइज इनकी सेलिंग रिपोर्ट है। अब इस डेटा में समराइज क्या किया जा सकता है। अगर ये डेटा आपके पास है तो इसमें जो क्वेरीज उठती हैं, क्या क्या उठती हैं इस डेटा से, कि किस प्रोडक्ट की किस सिटी में कितनी सेल है, या किस पर पहला जो क्वेश्चन उठता है इसमें,
मेन चीज हमारी आती है एम्प्लॉयज। तो क्वेरीज ये बना सकते हैं हम कि किस एम्प्लॉय की कितनी कितनी सेल है, किस एम्प्लॉय की टोटल सेल कितनी है। दूसरी क्वेरी इसी को और डिफाइन कर सकते हैं, किस एम्प्लॉय की किस सिटी में कितनी हेलो, सेल है और किस प्रोडक्ट की किस सिटी में कितनी सेल है, किस एम्प्लॉय ने किस प्रोडक्ट की कितनी सेल की है, या किस प्रोडक्ट की किस किस एम्प्लॉय ने किस किस सिटी में सेल की है, कौन से दिन सेल की है, मंथ में एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की कितनी सेल हुई है, मंथ में एक पर्टिकुलर सिटी में कितनी सेल हुई है। तो इस तरह से हम डेटा को समराइज किया जा सकता है इन सब तरीकों से। अब देखिए पाइवट टेबल लगाएंगे कैसे। पाइवट टेबल लगाने से पहले आपको उसकी क्वेरी क्लियर होनी चाहिए कि आपका पर्पस क्या है, आप क्यों लगा रहे हैं। जिस तरह की क्वेरीज मैंने अभी बताई, इस तरह से कौन सी क्वेरी के लिए किस क्या कौन सी रिपोर्ट बना रहे हैं आप। तो हम क्या करते हैं, पहले डेटा सिलेक्ट करते हैं पूरा, देन उसके बाद इंसर्ट टैब में जाएंगे और पाइवट टेबल है वहां से चूज कर लेंगे पाइवट टेबल को। टेबल और रेंज में आपका पाइवट टेबल का वो डेटा आ जाता है। आप यहां से भी डेटा चूज कर सकते हैं चाहे तो, मतलब विदाउट सिलेक्टिंग डेटा इफ यू गो देयर, यू गो देयर इन पाइवट टेबल, यू हैव ऑप्शन टू सिलेक्ट डेटा हेयर। जस्ट क्लिक ऑन दैट एंड सिलेक्ट योर होल टेबल हेयर। नाउ अगेन प्रेस दिस लिंक, क्लिक ओके। हेयर इट विल आस्क अबाउट द लोकेशन। यू कैन चूज न्यू न्यू वर्कशीट और यू कैन अप्लाई ऑन सेम एग्जिस्टिंग वर्कशीट। द लोकेशन विल बी डिफाइंड हेयर, सो वी विल चूज न्यू वर्कशीट। एज यू कैन सी दैट हेडर लिस्ट इज शोन हेयर ऑन द राइट साइड ऑफ पेन दैट पाइवट टेबल फील्ड लिस्ट। यहाँ पे आपको ये हेडर्स की लिस्ट दिखाएगा, हेडिंग्स की सारी लिस्ट दिखाएगा। इसमें आपके चार कॉलम इस के नीचे फोर एरियाज आते हैं। सो वन इज रिपोर्ट फिल्टर, सेकेंड इज कॉलम लेबल, थर्ड इज रो लेबल एंड दिस वैल्यू लेबल। सो जो हमारी पहली प्रायोरिटी होगी, जहां से क्वेरी शुरू हो रही होगी कि मतलब पर्टिकुलर एम्प्लॉय की सेल कितनी है, तो उसको हम रो में सबसे पहले लाएंगे। अगर हम इसको टिक करें तो बाय डिफॉल्ट ये रो के अंदर चला जाएगा यहाँ पे, और अदरवाइज वी कैन राइट क्लिक ओवर देयर एंड वी कैन चूज वेयर वी वांट टू फिट इट, सच एज एड टू रो लेबल्स। वी हैव सिलेक्टेड दिस एंड इट विल शोन इन रो लेबल। यहाँ पे जो आपके पर्सन के नाम आएंगे या आपके यूनिक नाम छट जाएंगे, वहां जितने भी होंगे वहां यहाँ पे यूनिक हो जाएंगे। नेक्स्ट हमें चाहिए कि सेल कितनी हुई, किस पर्सन की कितनी सेल हुई या किस प्रोडक्ट की। प्रोडक्ट वाइज हेडिंग अलग है हमारी, तो प्रोडक्ट वन चूज किया हमने। जैसे क्लिक करेंगे उसको वो डायरेक्टली इधर वैल्यू में आ जाएगा और यहाँ पे लिखा है सम ऑफ पी वन, मतलब कि जितनी भी पी वन के अंदर फिगर्स है वो सम हो जाएंगी ऑन द कंडीशन ऑफ दिस। जैसे कविता की कितनी सेल हुई है टोटल, मनी की कितनी सेल हुई है, तो अलग अलग इन सब की सेपरेट सेपरेट सेल आ गई इधर। ठीक है जी। अब जो हमारी सेकंड प्रायोरिटी होगी, उस सेकंड प्रायोरिटी को हम रो में भी डाल सकते हैं और कॉलम में भी डाल सकते हैं। डिफरेंस क्या है कि अगर लिस्ट ज्यादा लंबी होती है
तो उसको हम कॉलम में डालते हैं। और लिस्ट ज्यादा अगर मतलब छोटी होती है तो उसको हम कॉलम में डालते हैं, अगर बहुत लंबी होती है तो हम उसे रो में डाल देते हैं, तो कि ताकि वो प्रिंट हो सके। तो सिटी मैं चूज कर लेता हूँ, जैसे ही मैंने सिटी को क्लिक किया वो यहाँ रो लेबल्स पे आ गई, और रो लेबल में फिर ये मुझे कविता का जो है ग्रैंड टोटल यहाँ दिखा रहा है, और बाइफरकेशन दिखा रहा है उसके नीचे कि नोएडा में कितनी सेल हुई थी इसकी, जयपुर में कितनी सेल हुई थी, नागपुर में कितनी सेल हुई थी, न्यू दिल्ली में कितनी सेल हुई थी। वो अलग अलग इनका जो बाइफरकेशन दिखा रहा है, हम इसको सिलेक्ट करके टोटल चेक कर सकते हैं, 18,812 है वही ऊपर दिखा रहा है। तो हर एक पर्सन वाइज इसने अलग अलग बाइफरकेशन सेट कर दी। अब हम ये देख रहे हैं कि जब सिटी जो है बार बार वही है और ज्यादा नहीं है, तो हम इसको उठा के सिटी को खींच के कॉलम के अंदर डाल सकते हैं। तो ये डेटा कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट होगा सिटी वाइज आपका, इस तरह से प्रिंट करना आसान है, तो हम ऐसे भी चूज कर सकते हैं। तो हर एक का जैसे कविता की नोएडा में कितनी सेल थी तो वो ये है, जयपुर में कितनी सेल थी ये है, नागपुर में कितनी थी, तो इसी तरह से ये सारी सेल दिखा रहा है, और लास्ट में इसका ग्रैंड टोटल दिखा रहा है। नीचे भी आपका ग्रैंड टोटल आएगा, सिटी वाइज ग्रैंड टोटल एंड दिस इज पर्सन वाइज ग्रैंड टोटल। ठीक है जी, आप चाहे तो सिटी को रो में रख सकते हैं, नेम को कॉलम में डाल सकते हैं, तो सिटीज इधर आ जाएंगी आपकी, और पर्सन के नाम इधर आ जाएंगे, हर एक की कितनी कितनी सेल थी। बेसिकली जो रिपोर्ट का टाइटल होगा आपका, रिपोर्ट का टाइटल होगा, ये टाइटल होगा सेल्स इन सिटीज, ठीक है जी। और अगर नेम इधर हो के हम तो कहेंगे हम सेल्स ऑफ एम्प्लॉयज या सेल्स ऑफ सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है जी। तो ये टाइटल के हिसाब से इसको चूज कर सकते हैं कि किसको कहाँ होना चाहिए, ठीक है जी। अभी तक हम एक प्रोडक्ट की सेल पे कर रहे थे, हम चाहें तो और प्रोडक्ट्स भी ले सकते हैं। देखिए जैसे ही हमने दो प्रोडक्ट इंक्लूड किए, अब इसमें क्या हो गया, मैं पर्सन के नेम को इधर ले आता हूँ और सिटी को वहां ले जाता हूँ। अब हर एक सिटी जो है डिस्ट्रीब्यूटेड हो गई, सम1 सम ऑफ P1 और सम ऑफ P2, मतलब हर एक सिटी में हमारे दो ऑप्शन दिखाने लगा, ठीक है। प्रोडक्ट 1 की कितनी सेल है, प्रोडक्ट 2 की कितनी सेल है। अब ये जो बाइफरकेशन है सर, इसको आप दो तरीके से कर सकते हैं। जैसे ही यहाँ पे वैल्यूज हमारी दो आई, मल्टीपल वैल्यूज हुई, एक वैल्यूज का जो फील्ड है आप यहाँ पे क्रिएटेड देख रहे हैं, जो कि हमने नहीं लगाई। जैसे ही आपकी जो कैलकुलेटेड वैल्यूज होती हैं एक से ज्यादा होती हैं, तो ये वैल्यू की एक फील्ड यहां बन जाती है कॉलम के ऊपर। कॉलम का मतलब है कि जो आपके प्रोडक्ट का जो सम है वो इस तरह से कॉलम में आएगा। आप अगर इस वैल्यूज को ड्रैग करके रो लेबल में डाल देंगे तो ये यहां इस तरह से दिखाएगा आपके, मतलब कविता, फिर यहां पे इनकी बाइफरकेशन। ठीक है जी, सम ऑफ प्रोडक्ट 1 सम ऑफ प्रोडक्ट। तो आप जैसा प्रिंटिंग में आपको सूटेबल लगे पेज पे उस हिसाब से कर सकते हैं। बिकॉज सपोज मैंने यहाँ पे सेल्स बढ़ा दी, सारे प्रोडक्ट्स की दिखा दी, तो इस तरह से उनको शो करना ज्यादा आसान है। एक्सेप्ट कि मैं अगर यहाँ पे ले जाऊं तो इसको दिखाऊं तो एक सिटी में कितनी सेल, ये मतलब प्रिंटिंग के लिए बहुत बड़ा हो जाता है। या फिर मैं सिटीज को इधर ला सकता हूँ,
इस तरह से भी दिखा सकते हैं, सिटी वाइज सेल्स भी हर एक प्रोडक्ट की। तो जो भी आपको बेटर सूट करे आप वैसा कर सकते हैं। अब देखिए, अभी तक हमने देखा कि हर एक की सेल्स को हम कैसे दिखा रहे हैं। अब मैं एक चीज करता हूं, सिटी को उठा के रिपोर्ट फिल्टर में डाल देता हूं। रिपोर्ट फिल्टर क्या करता है, जिस तरह से आपका पेज होता है, पेज फिल्टर होता है, उसी तरह से हमारा रिपोर्ट फिल्टर होता है। तो अल्टीमेटली हम इसमें एक फिल्टर लगा सकते हैं। बाय डिफॉल्ट ये ऑल सिलेक्शन दिखा रहा है, ऑल यहाँ पे दिखा रहा है। तो हम इसको क्लिक करेंगे तो हमारी सारी सिटीज आ गई। सपोज हम नोएडा सिलेक्ट करते हैं तो अब ये नोएडा की रिपोर्ट दिखाने लगा हमें। जयपुर सिलेक्ट करेंगे तो ये जयपुर की रिपोर्ट दिखाने लगेगा। हम इसमें मल्टीपल सिलेक्शन भी कर सकते हैं, ये ऑप्शन है सिलेक्ट मल्टीपल आइटम्स का। क्लिक करेंगे तो एक से ज्यादा या जितनी भी सिटीज हम चूज कर सकते हैं उसका टोटल कंसोलिडेटेड रिजल्ट यहाँ दिखाएगा। ठीक है जी, ये हमारी पेज फील्ड होती है। तो बेसिकली हमने ये जाना कि रो फील्ड में क्या होता है, वैल्यू फील्ड में क्या होता है और कॉलम फील्ड में क्या होता है। अब एक फीचर इसमें इंट्रोड्यूस करते हैं ग्रुपिंग का। अब हम डेट भी ले लेते हैं आपका। डेट को हम नाम से पहले ले लीजिए या बाद में ले लीजिए। अब ये देखिए डेट आ रही है और बहुत लंबा चौड़ा डेटा हो गया हमारा। तो डेट का बहुत ही लंबा डेटा है, इसलिए हम डेट को पहले ले लेते हैं। डेट वाइज ये हमें दिखाने लगा डेटा, इस तारीख को इतनी सेल हुई थी, इस तारीख को इतनी सेल हुई थी। अब हम क्या कर सकते हैं, मैंने इस डेट पे क्लिक किया, यहाँ पाइवट टेबल जब हम लगा देते हैं, पाइवट टेबल सिलेक्टेड होता है तो हमारे पास दो नए ऑप्शन यहाँ पे आते हैं, ऑप्शन का और एक डिजाइन का। हम ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन है, एक्सपैंड एंटायर फील्ड और कोलैप्स एंटायर फील्ड। जैसे ये माइनस पे क्लिक करेंगे सारे के सारे डे वाइज सेल्स में आ गए। इनके आगे प्लस का बटन है, डिटेल देखना चाहें तो प्लस माइनस कर सकते हैं। सबको एक साथ प्लस माइनस करना चाहें तो आप ऑप्शन में जाके एक्सपेंड और कोलैप्स का यूज कर सकते हैं। अब बात आती है इसमें ग्रुपिंग की, तो ग्रुप में कैसे कर सकता हूँ। ग्रुप फील्ड है, मैंने चूज किया इसको। यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है कि मैं अपनी रिपोर्ट कैसे देखना चाहता हूँ, मंथ वाइज, ईयर वाइज, क्वार्टर वाइज, डे वाइज, आवर वाइज, मिनट वाइज, सेकंड। फर्स्ट मैं चूज करता हूँ मंथ वाइज, तो ये आपके मंथ में कन्वर्टेड हो गई कि जैन मंथ में इतनी सेल रही, फैब मंथ में इतनी सेल रही, मार्च मंथ में इतनी सेल रही। पर अभी हमने मंथ सिलेक्ट किया है, अभी हमने मंथ सिलेक्ट किया है। अब मंथ में एक प्रॉब्लम है कि हमने जो डेट सिलेक्ट की थी उसमें 2010 का भी डेटा था, 2013 का भी था। तो जनवरी जितनी बार आया होगा, चाहे वह 2010 का हो, 2013 को, या 2014 का हो, वो इकट्ठा इसी में ही हो गया होगा टोटल। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमारा डेटा किसके बारे में। तो हम अगेन इसको सिलेक्टेड रखते हुए ग्रुप फील्ड में जाते हैं और यहाँ से ईयर और चूज कर लेते हैं। हम इसमें भी मल्टीपल सिलेक्शन कर सकते हैं। अब क्या हुआ,
2013 का डाटा ये आ गया और 2014 का ये आ गया अलग से। हम चाहें तो इसको सिलेक्ट करके एक्सपेंड कोलैप्स कर सकते हैं, देख सकते हैं ईयरली कितनी सेल रही, एक ईयर की स्पेशल देखनी है यहाँ से देख सकते हैं। पर इस फंक्शनैलिटी को लाने से पहले हमें ये ध्यान रखना होगा कि जो हमारी डेट डली हुई है इसमें वो प्रॉपर डेट फॉर्मेट में होनी चाहिए। अगर ये डेट फॉर्मेट में नहीं है तो आपका रिजल्ट अनयूजुअल होगा, मतलब कि ये आपका काम नहीं करेगा। ठीक है जी, ऑप्शन में जाता हूँ, ग्रुपिंग हटा देता हूँ, डे वाइज पे वापस आ जाता हूँ। ठीक है जी, अब डेट को हटा ही देता हूँ मुझे उसकी जरूरत नहीं। अब किसी भी सिंगल प्रोडक्ट को पिक कर लेते हैं और देखते हैं कि नंबर में ग्रुपिंग कैसे होती है। मान लीजिए मैंने इसको कॉलम में रखा, क्या हो रहा है, लाइट बार बार जा रही है। तो चलिए मैं बता रहा था, थोड़ा सा डेटा को चेंज करते हैं। इस ऑप्शन को बताने से पहले मैंने बताया डेट में किस तरह से ग्रुपिंग की जा सकती है, अब आते हैं नंबर्स में, नंबर्स में क्या ग्रुपिंग होती है। इस थोड़े से डेटा को मैं चेंज कर लेता हूँ, सपोज ये हमारी क्वांटिटी है और ये हमारी सेल्स है। ठीक है जी, बाकी रेस्ट ऑफ डेटा पे हम अभी ध्यान नहीं देंगे। किसी भी डेटा में अपडेशन के बाद यहाँ पे चेंजेस देखने के लिए आपको ऑप्शन में जाके रिफ्रेश करना पड़ेगा। अब यहाँ पे हमारे क्वांटिटी और सेल्स में आ गए, अब देखते हैं कि हमारी क्वांटिटी क्या थी। क्वांटिटी में मैंने क्लिक किया और कॉलम में ले गया। अब क्वांटिटी तो हमारी 10 से लेकर 90 तक है, काफी सारे कॉलम्स हो गए। अब इनको ग्रुप करते हैं और सेल्स को हम चूज कर लेते हैं डेटा की फॉर्म में। सम ऑफ सेल्स आ गया तो 10 क्वांटिटी किसकी रही ये आ गया, 11 क्वांटिटी किसकी रही ये आ गया, 12 किसकी रही ये आ गया। तो हम एक अप्रोक्सीमेट कैटेगरी देना चाहते हैं कि हम 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 इस तरह से दिखाना चाहते हैं कि 10 से 20 जिनकी क्वांटिटी सेल हुई वो कैसा था, मतलब उनमें क्या सेल थी, 20 से 23 जिनकी हुई सेल तो उसमें क्या थी। तो हम वापस जाते हैं ग्रुप फील्ड में, सिलेक्शन इसी पे ही होना चाहिए। ग्रुप फील्ड में जाते हैं और यहाँ पे स्टार्टिंग वैल्यू और एंड वैल्यू आपकी ऑटोमेटिक पिक कर लेगा। बाय मतलब कितने कितने का ग्रुप बनाना चाहते हैं, सपोज मैं 20 का बना देता हूँ, देन इसमें क्या होगा, 10 to 29 क्या सेल रही, 30 to 49 क्या सेल रही, 50 to 69 क्या सेल रही, 70 to 90 क्या सेल रही। तो इस तरह से आपका ये कैटेगराइज हो जाएगा नंबर्स में। नंबर्स डेट के अलावा हम टेक्स्ट को भी ग्रुप कर सकते हैं। सपोज हमारा इन तीन बंदों का हमने टीम ए और टीम बी बना दी, तो यहाँ पे ग्रुप सिलेक्शन करते हैं। ग्रुप 1 में मैंने डाल दिए ये तीन बंदे और इन तीनों को सिलेक्ट करके मैं अगेन ए ग्रुप फॉर्म करता हूँ ग्रुप 2। तो हम यहाँ पे ग्रुप 5 सेल्स भी देख सकते हैं। ठीक है जी, टेक्स्ट को ग्रुप कर सकते हैं। तो जैसे मैं इनको
प्लस कर रहा हूं तो ये पूरी पूरी मुझे ग्रुप वाइज सेल्स दिखा दे। ये जो भी चेंजेस होते हैं टेम्परेली होते हैं, फॉर मतलब इनका कोई परमानेंट इफेक्ट नहीं होता डेटा के ऊपर, हमारे डेटा अनचेंज रहता है, हम यहीं से इसमें देख सकते हैं, अनग्रुप कर देंगे, इसको भी अनग्रुप कर देंगे। तो ग्रुपिंग नंबर टेक्स्ट और डेट में इस तरह से होती है। वापस आते हैं, इसको चेंज कर देते हैं अपने जैसे था, इसको जाते हैं ऑप्शन में जाके रिफ्रेश कर देते हैं ताकि वो अपनी फॉर्म में लौट सके। अब सपोज कीजिए थोड़ी सी क्वेरी चेंज करते हैं, मैं नेम को रिपोर्ट फिल्टर में ले जाता हूँ, सिटी को नीचे रो लेबल में ले आता हूँ। अब यहां से मैं पर्सन वाइज सेल्स सिलेक्ट कर सकता हूँ हर किसी की, सपोज कीजिए कि हमें अब जितने भी एम्प्लॉय हैं कितने भी हो सकते हैं, कम है तो आराम से मेल इनका डाटा भेजा जा सकता। मान लीजिए यही रिपोर्ट कि हर प्रोडक्ट की कितनी कितनी सेल हुई है किस किस सिटी में, ये रिपोर्ट हमें मेल करनी है एम्प्लॉय वाइज, मतलब जिसने सेल की है उसको उसका सेल रिकॉर्ड जाना है। तो अब इस तरह का डाटा बनाने में कितना टाइम लगेगा, फिल्टर करेंगे, कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, या समराइज करेंगे, इस तरह से कॉपी करेंगे पेस्ट करेंगे। तो इसके लिए एक सिंपल ऑप्शन है कि आप इसी ऑप्शन में जाएं, यहां पे ऑप्शन में फिर से जाएं और शो रिपोर्ट फिल्टर पेजेस का एक ऑप्शन है, आप इसको जब क्लिक करेंगे तो जो फील्ड इसके अंदर होगी वो आपको यहां दिखाएगा। अब इसको सिलेक्ट करेंगे और ओके। अब जितने भी मेरे एम्प्लॉयज थे उनकी मेरे पास उतनी शीटें बन गई, जैसे कविता का डेटा ये आ गया, मनी का डेटा ये आ गया, मनीष का, नीतू का, पुष्पा, जितने भी एम्प्लॉय होंगे उनकी एम्प्लॉय वाइज रिपोर्ट फिल्टर्ड बन जाएगी। अब आप इनको सेपरेटली चूज करके मेल कर सकते हैं। इसी तरह से आपने रीजनल हेड को भेजना है, नेम को नीचे ले आते हैं, सिटी को ऊपर डालते हैं। मान लीजिए सिटी वाइज आपने एक लीडर बिठा दिया कि एक सिटी को ये मॉनिटर करेगा एक सेल को, और आपको सिटी वाइज सेल निकालनी है तो अगेन आप ऑप्शन में जाइए, ऑप्शन पे क्लिक कीजिए, शो रिपोर्ट फिल्टर पेजेस, सिटी, ओके। तो ये आपकी सिटी वाइज रिपोर्ट इसने अलग अलग छांट दी, ठीक है जी, हर एक सिटी का अलग से डेटा हो। बेसिकली इस विदाउट पाइवट की नॉलेज के ये काम करना बहुत ही मतलब बड़ा काम होता है। ये आपको हर एक को इस तरह से समराइज करना पड़ेगा, कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट, दुनिया भर का, जहां एक लिमिटेड यूजर्स होते हैं, लिमिटेड होते हैं 7 8 10 तो नो प्रॉब्लम, पर जब ये लिस्ट जो है 50 100 200 250 पे बढ़ती है सिटीज की या एम्प्लॉयज की, तब ये एक बड़ी प्रॉब्लम होता है। तो विद द हेल्प ऑफ पाइवट टेबल हम इजीली इस तरह की रिपोर्ट्स बना सकते हैं। और आगे चलते हैं, इसमें मैं सिटी को वापस ले आता हूँ रो लेवल में। अब देखिए कई लोगों को इस तरह से रिपोर्ट देखना कंफ्यूजिंग होता है थोड़ा सा। अब ये कह रहे हैं कि कविता और कविता का टोटल ऊपर, और बेसिकली इंडियन जो फॉर्मेट होता है उसमें इस तरह से ऊपर देखने का रिवाज नहीं होता, सब चाहते हैं कि यहाँ से डेटा आए और नीचे टोटल होता है। इस तरह से अगर आप करना चाह रहे हैं तो यहाँ ऑप्शन के बगल में एक डिजाइन का टैब है,
डिजाइन में आपके कुछ ऑप्शंस यहाँ पे होते हैं, तीन चार ऑप्शन। ये ऑप्शन आता है आपका सब टोटल के अंदर। सब टोटल के अंदर आप इसको क्लिक करेंगे और इसमें से चूज कर लेंगे शो ऑल सब टोटल्स बॉटम ऑफ द ग्रुप, मतलब इस ग्रुप के बॉटम में इसका टोटल आए। ऐसे क्लिक करेंगे तो कविता का सेगमेंट चालू हुआ, ये रहा और ये टोटल। ठीक है जी। दूसरी चीज, हमें एक और चीज की और आदत होती है, जो हमारा इससे 2007 से पहले 2003 में पाइवट टेबल चलता था, उसमें डेटा इस तरह से नहीं आता था कि जो हमारा नेम ऊपर है उसके नीचे ही सिटी, सेम कॉलम में नहीं आते थे। नेम इधर है तो सिटी यहाँ अगले कॉलम में आनी चाहिए। बेसिकली इट इज अ कॉम्पैक्ट फॉर्मेट एंड हमें जो आदत पड़ी है अब पहले की मैनेजमेंट को जो है वो क्लासिक टेबल लेआउट की है, उसको क्लासिक लेआउट बोलते हैं। अब क्लासिक लेआउट में जाने के लिए या तो यहाँ आप ऑप्शन से चूज कर लें ऑप्शन, और अदरवाइज आप इस पे भी राइट क्लिक करेंगे तो पाइवट टेबल ऑप्शन अवेलेबल है यहाँ। यहाँ पे क्या है, आप डिस्प्ले में जाएंगे, थर्ड टैब है और यहाँ है क्लासिक पाइवट टेबल लेआउट, क्लिक करेंगे इसे और ये आपके प्रीवियस सिस्टम में जिस तरह की मैं कह रहा था कि अलग कॉलम में नेम और सिटी इस तरह से डेटा आने लगा। अब एक और क्या आदत होती है कि ये डेटा है या तो इसको आप मर्ज कीजिए या तो हर एक में रिपीट कर दीजिए इसको। तो आप राइट क्लिक करेंगे, पाइवट टेबल ऑप्शन में जाएंगे और फर्स्ट टैब में है, पहला ही ऑप्शन है आपका मर्ज एंड सेंटर सेल्स विद लेबल, जिसे आप क्लिक करेंगे ये मर्ज्ड हो जाएगी। एक और दिक्कत आती है कि हर एक टोटल के बाद एक लाइन का स्पेस होता है, तो उस केस में क्या करेंगे, डिजाइन में जाएंगे, सब टोटल यहाँ ब्लैंक रोज में जाएंगे, इंसर्ट ब्लैंक लाइन आफ्टर ईच आइटम, तो यहाँ पे एक ब्लैंक लाइन इंसर्ट हो जाएगी, मतलब कि आपका डेटा सेपरेटेड हो जाएगा। ठीक है जी, मतलब और ज्यादा अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको हटाना है, ब्लैंक लाइंस, रिमूव ब्लैंक लाइन, मर्जिन सेंटर को हटा देता हूं। आप यहां से कोई भी डिजाइन से डिजाइन चूज कर सकते हैं कि किस तरह से आपकी रिपोर्ट दिखनी चाहिए, जो भी अच्छी लगे आप वो चूज कर सकते हैं। वो कलर कोड आप चूज कर सकते हैं जैसा भी आप अच्छा लगे। ठीक है, कई बार क्या आता है, आपको मान लीजिए सब टोटल्स नहीं चाहिए तो यहाँ सब टोटल्स में डू नॉट शो सब टोटल्स का ऑप्शन है, आप टॉप या बॉटम में रख सकते हैं, या नहीं दिखाना चाहते तो यहाँ से चूज कर लीजिए, वो सब टोटल्स नहीं दिखाएगा। अगर हम बात करें 2007 से ऊपर के वर्जन्स की, तो ये जो मर्ज एंड सेंटर की प्रॉब्लम है, इसके बाद हम जब डेटा चाहते हैं साथ में, तो ये डेटा आपका रिपीट रिपोर्ट लेआउट में एक अलग ऑप्शन है रिपीट लेबल्स का, वहां से आप उसको चूज कर सकते हैं, आपका ये रिपीट हो जाएंगे। शो इन टेबलर में इसमें अब मान लीजिए हमें क्लासिक उसी तरह में जाना है, जो क्लासिक नहीं चाहते कॉम्पैक्ट फॉर्म में जाना चाहते, तो यहाँ पे डिस्प्ले में गए
क्लासिक का ऑप्शन हटा दिया हमने, ओके किया, पर ये पहले जैसा नहीं हुआ। अब हम उस कॉम्पैक्ट फॉर्म में चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको रिपोर्ट लेआउट में जाना पड़ेगा डिजाइन टैब के अंदर और शो इन कॉम्पैक्ट फॉर्म सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो ये पहले जैसा आएगा। ठीक है जी, ग्रैंड टोटल ऑन ऑफ कर सकते हैं, चाहे रो में आए चाहे कॉलम में आए। सपोज ग्रैंड टोटल कब आता है, जब हम यहां से सिटी को चूज करते हैं इधर। अब यहाँ पे क्या होगा, एक लास्ट में रो बनी होगी जिसमें सबका टोटल दिखाएगा, यहाँ पे टोटल और यहाँ नीचे टोटल। तो अगर आप ये ग्रैंड टोटल्स नहीं चाहते तो डिजाइन में जाके ग्रैंड टोटल को ऑन ऑफ कर सकते हैं दोनों के लिए, या रो में चाहते हैं या कॉलम में चाहते हैं तो यहाँ से चूज कर सकते हैं। फिर रोज के लिए नहीं चाहिए, नीचे नहीं आएगा। चाहिए तो यहां से दे सकते हैं, बैंड कॉलम बैंड रोज, ये बस आपका कॉलम में जो आउटर लाइन है और इसमें आउटर लाइन के लिए खाली। हेडर्स दिखाना चाहते हैं, ये डिजाइन कहाँ कहाँ अप्लाई होगा आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ तीन बटन है, फील्ड लिस्ट नहीं दिखाना चाहते यहाँ से ऑफ कर सकते हैं, ये प्लस माइनस के बटन जो दिखा रहा था वो नहीं दिखाना चाहते तो यहाँ से ऑफ कर सकते हैं, फील्ड हेडर्स नहीं दिखाना चाहते तो यहाँ से ऑफ कर सकते। फील्ड हेडर्स में ये कॉलम लेवल रो लेवल ये आपका नहीं दिखाएगा। फील्ड लिस्ट लाते हैं, वैल्यूज को नीचे ले जाते हैं, इस तरह से दिखाते हैं। अब क्या करते हैं, इसको मान लीजिए, अब इसमें जो वैल्यूज हैं P1, 2, 3, 4 सारा तो दिखा रहा है पर इन सब का टोटल नहीं दिखा रहा मुझे, सिटी को मैं हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए और वैल्यूज को यहाँ रख देता हूँ। अब प्रोडक्ट्स की सेल तो दिखा रहा है पर मैं एक चाहता हूँ कि ऑल प्रोडक्ट्स की सेल यहाँ पे दिखाई दे, साथ में एक और फील्ड हो। अब इसका क्या सोल्यूशन है, या तो मैं मेन डेटा में जाके फील्ड लिखा के टोटल करके बढ़ाऊं, और या फिर मैं यहाँ पे भी कर सकता हूँ, उसके लिए एक ऑप्शन होगा हमारा, ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पे एक फॉर्मूला का ऑप्शन है, इसमें दो चीजें हमारी कैलकुलेटेड फील्ड और कैलकुलेटेड आइटम। कैलकुलेटेड फील्ड चूज करते हैं, अब इसमें आपके सारे हेडर्स यहाँ हैं, एक नई फील्ड आप बनाने वाले हैं, क्या रहेगी वो, टोटल रहेगी, टोटल सेल्स कर देते हैं। अब सबकी सेल्स, जैसे ये यहां से सिलेक्ट किया, इंसर्ट फील्ड की फॉर्मूला बनाना पड़ेगा हमें, प्लस ये इंसर्ट फील्ड, 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 प्लस ये
अरे क्या हो रहा है यार, ये बार बार लाइट जा रही है, बार बार क्लास कट जा रही है। हाँ जी, तो ये था, हम इस पे कैलकुलेटेड फील्ड्स की बात कर रहे थे। तो हर एक को हम प्लस के जरिए, प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड हम इसके अंदर कर सकते हैं, प्लस करके इसको ऐड कर देंगे। ऐड के बाद ये आपको यहाँ पे लास्ट में दिखेगा टोटल सेल्स, यहाँ ओके करेंगे। अब ये हमारे पास यहाँ अवेलेबल है टोटल सेल्स, और आपको इनका टोटल यहां दिखाने लगेगा। ये तो बात रही कि इनके टोटल का। अब जिस तरह से हमने ग्रुप किया था, उसी तरह से हम एक और चीज कर सकते हैं इसमें, कैलकुलेटेड फील्ड्स की बात करते हैं। या कैलकुलेटेड फील्ड्स हमने बनाई, कैलकुलेटेड आइटम्स बनाते हैं, कैलकुलेटेड फील्ड्स बनाएंगे। कैलकुलेटेड फील्ड में क्या होता है, फील्ड तो मैंने बना ली, आइटम आइटम कैलकुलेटेड आइटम। ये कह रहा है कि किसी ग्रुप पे नहीं बना सकते, अनग्रुप कर चुका हूं मैं। उसको मान लीजिए हटा। पाइवट टेबल रिपोर्ट फील्ड इज ग्रुप्ड, यू कैन नॉट ऐड अ कैलकुलेटेड आइटम टू अ ग्रुप फील्ड। तो ग्रुप तो मैंने किया नहीं कुछ। अच्छा, तो मैं यहाँ से सिटी अलग कर देता हूँ। अब इनमें से चूज करता हूँ कोई,
नहीं यार, इसमें मैं दोबारा लगा के देखता हूँ प्राइवेट टेबल। नेम और सेल्स ले ली मैंने, अब इसमें करता हूँ मैं कैलकुलेटेड आइटम। तो कैलकुलेटेड आइटम में बेसिकली क्या होता है, मान लीजिए इसमें से कविता और मनी है और इनका टीम लीडर है कोई, जैसा कि हमने ग्रुप में किया था, उसका नाम दे देते हैं मान लीजिए रवि। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से कविता चूज करेंगे इंसर्ट आइटम, प्लस मनी चूज करेंगे इंसर्ट आइटम, यानी कविता और मनी का जो टीम लीडर है रवि, उसकी सेल्स आपको यहाँ दिखाने लगेगा, मतलब इन दोनों का टोटल यहाँ दिखाने लगेगा। अब इसमें इम्पोर्टेंट क्या ध्यान देने वाली बात, जब भी हम कैलकुलेटेड आइटम यूज करते हैं ग्रुप में क्या होता है कि वो उसी की सेल्स दिखाता है, इसमें ये एक्स्ट्रा सेल्स दिखाता है, यानी कि अगर हम उन दोनों को नहीं हटाते, कविता और मनी को यहाँ से फिल्टर से ऑफ नहीं करते, तो उसकी एक्चुअल सेल आपको डेटा में से एक्चुअल सेल नहीं मिलेगी। मतलब अब ये ग्रैंड टोटल अगर आप सही चाहते हैं तो उन दोनों को हटा देना पड़ेगा आपको, ठीक है जी, अदरवाइज ये इतना आपको बढ़ा के बताएगा। अब ये कैलकुलेटेड फील्ड जो था वो हमारा डेटा के लिए था, जो वैल्यू सम होती है उसके लिए था, और कैलकुलेटेड आइटम जो था हमारा इसके लिए था, टेक्स्ट के लिए था, जहाँ पे हम आइटम्स को प्लस कर सकते थे, आइटम वाइज प्लस कर सकते थे। अब हमें देखना हो कि इस तरह की कितनी कैलकुलेशन लगी है, इस तरह के कितनी फील्ड्स एडेड हैं, तो हम यहाँ से देख सकते हैं सॉल्व ऑर्डर में। सॉल्व ऑर्डर में आपको ये दिखाएगा ये कैलकुलेशन, और यहीं से आप इसको डिलीट कर सकते हैं, अदरवाइज कहीं से नहीं कर सकते। मैंने डिलीट कर दिया, दूसरा है लिस्ट फॉर्मूला। लिस्ट फॉर्मूला जब आप क्लिक करेंगे तो जितने भी कैलकुलेटेड फील्ड या कैलकुलेटेड आइटम होंगे आपको यहाँ दिखाएगा, और क्या फॉर्मूला लगा हुआ है वो आपको दिखाता है इसके अंदर अलग शीट पे। दूसरा, आपको किसी फैक्ट के बारे में जानना हो कि मान लीजिए ये नंबर्स आए, सुजीत के इतने नंबर आए, तो इसके पीछे बेस क्या था, मतलब डेटा क्या है एक्चुअल, जैसे ही इसको डबल क्लिक करेंगे, जिस फील्ड से वो नंबर क्रिएट हुए वो आपको यहाँ पे पूरा डेटा उसका उठ के आ जाएगा। तो चलिए, पाइवट टेबल का एक सेशन जो है अभी पूरा होता है, बाकी कल हम इसको और कंटिन्यू करेंगे और इसके एडवांस पाइवट टेबल की चीजें देखेंगे, ठीक है जी। किसी को कोई डाउट है या क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। ओके जी, गुड नाइट। गुड नाइट।